व्यूवर्स, वेलकम टू शुमाना यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त बनाने के लिए ये 1 kg के करीब भिंडी है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके टॉवल ड्राई कर लिया है और इसके सिर्फ हेड टू टेल से रिमूव किया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे, उनको 1/4 कप कुकिंग ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। प्याज के लाइट गोल्डन होने पर 1 kg चिकन शामिल करेंगे और इसको 4 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे। 4 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 1 स्पून अदरक की पेस्ट, 1 स्पून लहसुन की पेस्ट शामिल करेंगे, 2 टमाटरों की पेस्ट शामिल करेंगे, 2 साबुत हरी मिर्ची शामिल करेंगे और इन्हें 2 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। दूसरी जन कढ़ाई में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, उसमें कटी हुई हेड टू टेल भिंडी शामिल करेंगे, 1/2 स्पून नमक ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। शुरू में भिंडी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर करें, इससे ये अंदर से लेस नहीं छोड़ेगी और अच्छे से जल्दी से फ्राई भी हो जाएगी। दूसरी जानब चिकन को 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 स्पून नमक, 1/2 स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 स्पून खुश धनिया पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 स्पून जीरा का पाउडर शामिल करेंगे, 1 स्पून दादर मिर्च शामिल करेंगे। उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के दौरान अगर स्पाइसेस आपस में चिपके हैं तो आप पानी का थोड़ा सा छींटा भी दे सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट इनको मज़ीद फ्राई कर लें। चिकन का कोरमा हमारा रेडी हो गया है। फ्राई की हुई भिंडी, अब फ्राई की हुई भिंडी में कोरमा को शामिल कर देंगे। अब इनको आपस में मिक्स कर लेंगे। अच्छे हाथों से इसको मिक्स करने के बाद हाथ हल्का रखें ताकि भिंडी टूट ना जाए और तमाम स्पाइसेस भिंडी पे भी लग जाएं फ्राई की हुई। दूसरी जानिब 2 मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइसिस में कटी हुई प्याज लेंगे, उनको थोड़े से कुकिंग ऑयल में चुटकी भर नमक के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे और पानी का छींटा दे लेंगे और इस तरह से प्याज को रेडी कर लेंगे। अब ये रेडी की हुई प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। तली हुई और सॉफ्ट की हुई प्याज शामिल करेंगे, धनिया गार्निश करेंगे। 5 मिनट इनको कवर करके रख देंगे दम वाली आंच पे ताकि भिंडी और गोश्त अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। आफ्टर 5 मिनट्स भिंडी गोश्त रेडी है। सो व्यूवर्स, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ भिंडी गोश्त। खीरे के सैलड और दही की चटनी के साथ पेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।